अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को सेवई की कस्टर्ड पुडिंग बनाना बताएंगे। बहुत अलग रेसिपी है, बहुत ही अच्छा डेजर्ट है। और ये सेवई है, आपने देखी होगी, पैकेट में मिलती है, ये बाज़ार में आपको मिल जाएगी पैकेट वाली सेवई। ये हमने उसको पहले बॉईल करेंगे। हम पानी हमने उबाल लिया है लगभग 2 ग्लास जितना। उसके अंदर हम डाल देंगे 1 से 2 पैकेट जितना सेवई, खारी सेवई नहीं, नॉर्मल सेवई हम डाल देंगे। उसे बॉईल कर लेंगे लगभग 5 से 7 मिनट में। ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, जैसे वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम उसका सारा पानी छान लेंगे और ठंडे पानी से हम उसे थोड़ा वॉश कर लेंगे ताकि उसकी जो चिकनाहट है वो निकल जाए, और उसे साइड कर लेंगे। उसके बाद हम एक पतीली में दूध गर्म करेंगे। आप फुल क्रीम मिल्क भी ले सकते हो, मीन्स भैंस का दूध भी ले सकते हो, हमने भैंस का दूध ही लिया है। उसमें हम डाल देंगे 1 स्लाइस जितना ब्रेड, छोटे छोटे टुकड़े करके, क्योंकि उससे दूध और ज़्यादा क्रीमी और थिक होगा। हमें उसे बॉईल कर लेना है अच्छे से जब तक वो जो ब्रेड है वो मेल्ट ना हो जाए, मीन्स थोड़े ज़्यादा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद हम उसे चलाते रहेंगे। उसके बाद हम उसमें डाल देंगे शुगर, चीनी हम डाल देंगे स्वीटनेस के हिसाब से, आपको जितना मीठा चाहिए हमने स्वीटनेस के हिसाब से चीनी ऐड कर देंगे। अच्छे से चलाते रहेंगे, बॉईल कर लेंगे ताकि हाफ जितना जो ब्रेड है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये हमने ले लिया कस्टर्ड पाउडर 2 टेबलस्पून जितना, उसके अंदर थोड़ा पानी डाल के उसको पतली पेस्ट बना ली और वो दूध में हम डाल देंगे। आप चाहे तो आप 1 चम्मच भी यूज़ कर सकते हो, थिकनेस के हिसाब से आप कस्टर्ड पाउडर लीजिए। फिर हम उसे थोड़ा चलाते रहेंगे और स्लो फ्लेम पे हम उसे बॉईल आने देंगे। उसके बाद जो सेवई हमने उबाल कर वॉश करके रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे, और एक बॉईल आने तक, या आपको जितना गाढ़ा चाहिए, जितना थिक चाहिए उतना आप उसे पका लीजिए। थोड़ा फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसके बाद हम एक जो मोल्ड होता है, बेकिंग मोल्ड भी आप ले सकते हो, या आपके पास कोई अच्छी डीप प्लेट हो वो भी आप ले सकते हो, उसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे और रूम टेम्परेचर पर हम उसे ठंडा होने देंगे। जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा हम जो फ्रेश क्रीम होता है वो हम सारा ऊपर लगा देंगे, पूरा कवर कर लेंगे। आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो, अगर आपको पतली लेयर व्हिपिंग क्रीम की डालनी है आप वो भी ऐड कर सकते हो, आपकी चॉइस है। हम फ्रेश क्रीम ले रहे हैं क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसे अच्छे से हम टूटी फ्रूटी होती है उससे हम डेकोरेट कर लेंगे। टूटी फ्रूटी, ड्राई फ्रूट्स, आपको जो चाहिए, टूटी फ्रूटी से लुक बहुत अच्छा आता है। जो टूटी फ्रूटी मार्केट में मिलती है वो हम ऊपर से सजा लेंगे, हमारा रेडी। और उसे ठंडा करके, पूरा रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके उसे हम डाल देंगे फ्रिज के अंदर, और हम अच्छे से उसे प्लेट कर लेंगे। आप देख सकते हो कितना कलरफुल लग रहा है, टेस्टी भी उतना ही होता है। ये बहुत अच्छा और झटपट, मीन्स अच्छे से 1-2 घंटे में तो वो ठंडा होके रेडी हम प्लेट कर लेंगे। अब उसे बहुत क्रीमी और बहुत ही सॉफ्ट, और वो जो सेवई है वो बहुत अच्छी लगती है। सेवई की खीर आपने खाए होंगे, सेवई की जो दूध होता है वो पिए होंगे। ये भी बना के ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी बनता है, क्रीमी बनता है, ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़।